इन सेल्फ डिफेंस हमारी टीम ने भी 3 राउंड फायर किया, जिससे कि जो सन्नी है उसको 2 राउंड गोली लगाया। टोटल 3 लड़कों को उस कमरे से पकड़ा गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मी पर हमले के आरोपी बदमाश को 6 घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश का नाम सन्नी बताया जा रहा है। सन्नी दिल्ली के छावला थाने का BC बताया जा रहा है। उसे दिल्ली के कुतुब विहार स्थित भाई भाई रोड की एक मकान से पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस को हेड कांस्टेबल रिंकू पर हुए चाकू से हमले के मामले में सनी की तलाश थी। बजे छावला थाने के अंतर्गत कुतुब विहार एरिया में हमारे पीट ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, हेड कांस्टेबल रिंकू और ASI सुनील। उनको एक खबर मिला और PCR कॉल भी हुई कि वहाँ पर एक झगड़ा हो रहा है, जिस पर वो तुरंत अलर्ट थे, तुरंत वहाँ पहुँचे। एक ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा किया था। जब उन लड़कों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल रिंकू वहाँ पर आगे बढ़े और एक को पकड़ लिया, तो हेड कांस्टेबल रिंकू को 2 चाकू एक लड़के ने मार दिया। उस लड़के की पहचान उस छावला थाने के BC सन्नी के रूप में की गई। हेड कांस्टेबल रिंकू को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक स्टैब इंजरी थोड़ा डीप है, कंडीशन अभी स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रहा है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन यूनिट के सारे टीम और जो हमारे छावला थाने की टीम जो अलग अलग एंगल पर काम करते हुए अक्यूज्ड पर्सन्स को पकड़ने के लिए रात भर अलग अलग जगह पर रेड्स कर रहे थे। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई भाई रोड है कुतुब विहार एरिया में, वहाँ पर एक कमरे में ये लड़के छुपे हुए हैं, कुछ लड़के। उस इन्फॉर्मेशन पे जो हमारी टीम वहाँ रेड करने गई तो उन पर फायरिंग किया गया। इन सेल्फ डिफेंस हमारी टीम ने भी 3 राउंड फायर किया, जिससे कि जो सन्नी है उसको 2 राउंड गोली लगाए। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, उसका भी कंडीशन अभी स्टेबल है। टोटल 3 लड़कों को उस कमरे से पकड़ा गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो बाकी जो अक्यूज भाग रहे हैं उनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम छावला थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक से कुछ युवकों का विवाद हो गया। युवकों और ऑटो चालक के विवाद के बीच गश्ती पर निकले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुनील और हेड कांस्टेबल रिंकू ने युवकों को रोकने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल रिंकू ने एक युवक को पकड़ लिया जो क्रिमिनल बताया जा रहा है। पकड़े गए युवक सनी ने हेड कांस्टेबल पर ही हमला बोल दिया। सनी ने हेड कांस्टेबल रिंकू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया और मौके से भाग निकालने में सफल रहा। पेट्रोलिंग पर निकले हेड कांस्टेबल पर हमले की घटना रात 8:35 के करीब की है। घटना की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। घायल हेड कांस्टेबल रिंकू को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां ICU में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर रिंकू के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। छावला थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपराधी को धर दबोचने के लिए टीमें गठित कर दी। सनी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें उससे जुड़े अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। आधी रात के बाद सनी के कुतुब विहार इलाके के भाई भाई रोड पर स्थित एक मकान में होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर रात के करीब 2:30 पर दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मकान को चारों तरफ से घिरा देखकर सनी ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश सनी को 2 गोलियां लगी। पुलिस ने एनकाउंटर में घायल बदमाश सनी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। गोली सनी के पैरों में लगी है। पुलिस के मुताबिक सनी के साथ ही 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है, जो उसके साथ ही थे। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।